लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद शर्तों के साथ शुरू हुए कंस्ट्रक्शन के कार्य से रादौर में यमुना नदी से सटे क्षेत्र के लोगों में खुशी है। दरअसल रादौर क्षेत्र के यमुना नदी से लगते दर्जनभर के करीब गांव के किसानों की जमीन यमुना पार है। ऐसे में इन किसानों को लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन के काम को मिली छूट से एक बार फिर ओवरब्रिज के निर्माण में तेजी आने की उम्मीद जगी है। यमुना नदी से सटे गांव गुमथला राव के ग्रामीणों ने बताया कि किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि यमुना पार स्थित है, लेकिन रास्ते की व्यवस्था न होने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसान खुद तो यमुना पार जैसे कैसे चले जाते हैं, परंतु फसल समेट कर लाने में किसानों को कई किलोमीटर का सफर तय कर फसल को मंडी में लेकर पहुंचना पड़ता है। ऐसे में किसानों ने सरकार से पुल निर्माण में तेजी लाने की मांग की है। सरकार से ही मांग करता हूं कि जो ये पुल का निर्माण है इसको जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जो हरियाणा के किसान हैं उनकी जमीन यमुना पार बहुत अधिक है और फसल लेने में बहुत दिक्कत होती है। इसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। पुल निर्माण को लेकर के हमारी सोसाइटी नियमित रूप से आवाज उठाती रही है और सरकार से पत्राचार होता रहा, और अब जाकर के जब पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो देश के अंदर कोरोना महामारी के चलते एक लॉकडाउन हो गया था, जिससे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। परंतु अब हाल ही में सरकार ने जो निर्माण कार्य हैं उनमें जो है छूट दी है, तो हम मांग करते हैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से कि पुल निर्माण के कार्य को तेजी से पूरा करवा करके किसानों को राहत दी जाए। आपको बता दें कि गुमथला की सामाजिक संस्था हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी वैरादौर के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने क्षेत्रवासियों की इस समस्या को देखते हुए किए गए प्रयासों से ही सरकार द्वारा यमुना नदी पर ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिली थी, लेकिन कोरोना संकट से लगे लॉकडाउन से इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रुक गया था। लेकिन अब सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य में शर्तों के तहत मिली छूट से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरटी भारत।